जम्मू कश्मीर में नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी भवन में शनिवार तड़के भगदड़ मच गई। इस घटना में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि कई श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना लगभग शनिवार सुबह 2:45 बजे की है। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक किसी बात पर तर्क को लेकर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को धक्का दिया, जिसके बाद भगदड़ मच गई। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि कटरा के माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हैं। वहीं कटरा अस्पताल के BMO डॉक्टर गोपाल दत्त ने बताया कि अभी तक हमारे पास 12 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है, आधिकारिक आंकड़ा भी नहीं बताया गया है। वहीं इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नारायणा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में है। बताया जा रहा है कि नए साल के मौके पर श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचे थे, इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मृतकों और घायलों का आंकड़ा बढ़ सकता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मृतकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के श्रद्धालु शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की है। PM मोदी ने कहा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से हुई मौतों से काफी दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, ईश्वर घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता और सहायता प्रदान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की राहत राशि देने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें, माता वैष्णो देवी के मंदिर में नए साल के मौके पर हर बार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर साल यहां भक्तों की सुविधा का खास ख्याल भी रखा जाता है, लेकिन शनिवार को नए साल के मौके पर कुछ ज्यादा ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, जिसके बाद